निमृत ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है हाउ यू कैन बी ए डिग्निफाइड कंसिस्टेंट रियल प्लेयर। और अगर आप 98-99 जितने भी 100 एपिसोड्स का टोटल करके देखें, मेरे घर के सबकी झोली में 5-5-6-6 बार रोना आ जाएगा, निमृत का शायद कम आए। और जहां स्टैंड लेना है तो लेती है, बोलती है, गलत को गलत बोलती है, जिस जहां पे वो विटनेस नहीं है वो उसको मालूम नहीं। ट्रॉलर्स हैव गॉट नो रिलीजन, नो स्टैंडर्ड, दे आर पेड फॉर देम, दे आर फेसलेस एंड दे आर डूइंग इट फॉर अर्निंग देयर ब्रेड। एज ए पेरेंट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कंडक्ट। जिस हिसाब से उसने पूरा ये गेम खेला, ये उसने एक्चुअली इस घर में एक जर्नी जिया है, और ये जर्नी उसके लिए, इनफैक्ट हर फैन के लिए, हर कंटेस्टेंट के लिए एक लाइफ टाइम एग्जाम्पल है और एक्सपीरियंस है। निमृत ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है हाउ यू कैन बी ए डिग्निफाइड कंसिस्टेंट रियल प्लेयर एंड येट फन लविंग फैशनेबल विच पीपल लुक अप टू, मेंटेनिंग द ग्रेस ए लेडी शुड मेंटेन ऑन सच प्लेटफॉर्म। शी हैज़ बीन ए स्टार, शी हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल, शी इज़ मेड फ्रेंड्स, शी इज़ मेड सो मेनी फ्रेंड्स दैट शी डजंट नीड 4 ऑफ देम, शी मे हैव 12 ऑफ देम। एंड एज रिगार्ड्स किसी के मुद्दे में घुसना, इनफैक्ट इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड। बिग बॉस ने उसका एग्जाम्पल कोट किया कि जब वो इशू हुआ था, निमरी ने काम ली, उसको रिजॉल्व किया। वो चिल्लम चिल्ली में तिल्ली नहीं लगाती, वो किसी के मुद्दे में घुस के उसको सो कॉल्ड, जैसे बोलते हैं, फुटेज या किसी का मुद्दा हाईजैक नहीं कर लेगी, किसी की कन्वर्सेशन हाईजैक नहीं कर लेगी, किसी का क्रेडिट नहीं लेगी। रिसेंटली स्टैन का जब कंसर्ट था, अर्चना स्टेज पे जाना चाहती थी, तो निमरी ने बोला रुक जा, ये उसका मोमेंट है, लेट हिम एन्जॉय। सो दैट शोज़ द रियल पर्सनैलिटी। और ये गेम एक्चुअली पर्सनैलिटी का गेम है, जिसमें आपके एक्चुअल ट्रू इमोशंस दिखते हैं लोगों को, व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू आर क्राइंग, व्हेन यू आर मिसिंग समबडी। सो बिसाइड्स इंटेलिजेंस, हाउ यू डिकोड द गेम, हाउ यू टेक ए स्टैंड एंड अड़ जाओ कि मैंने तो इस नंबर पर जाना है। आप हर गेम में, हर टास्क में नहीं अड़ सकते। अगर आप 16 कंटेस्टेंट हैं तो मे बी अगर आप 12 हफ्ते के बाद अड़ते हो तो मींस इन रोटेशन आपकी एक बार बारी आ गई और जस्टिफाइड भी होती है। लेकिन आप हर वीक में अड़ना शुरू कर दो, दैट्स आल्सो नॉट ए गुड क्वालिटी। सो शी गिव्स स्पेस टू एवरीबडी अदर्स आल्सो, एंड व्हेन शी फील्स कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया, शी ट्राइज टू हेल्प। टीना के बर्थडे पे शिव ने निमृत को कैप्टन बना दिया, लेकिन निमृत ने अगला टास्क में कैप्टनसी में 3 गर्ल्स को कैप्टन बना दिया, वो अड़ के कि मैं 6 नंबर पे जाऊंगी। उसने तुरंत गेम डिकोड कर ली थी कि लास्ट में जाने में गेम पलट जाएगी। एवरीबडी वाज सेइंग मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, शी सेड सर मैं लास्ट में जाऊंगी। जब तक लोगों को समझ आई तो विकास और अंकित सब बोले नहीं, अभाव ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सो शी इज़ वेरी शार्प। मैं क्या कहना, आपने ही ऑब्जर्व कर लिया, सभी ऑडियंस ने ऑब्जर्व कर लिया। अब शाजिद जी अपनी गेम खेल रहे हैं और वो ये भी टेस्ट कर रहे हैं गेम खेलने के साथ साथ कि क्या शिव और स्टैन उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। एंड आई एम हैप्पी टू से बोथ ऑफ देम डिड नॉट। स्टैन और शिव के दिमाग में उन्होंने बात जरूर डाली, आई डोंट नो शिव को बोला कि नहीं बोला, बट ये जरूर बोला, स्टैन को तो बोला, बट स्टैन का रवैया चेंज नहीं हुआ। ही हैज़ एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, but he was playing his game which is fair, but Nimrit being a background she is from, she did not deemed fit to take that up with a person of that stature, so out of respect. Jab Nimrit ka ek issue Salman sir ne bola ki about ghar se, mom ne bhi bola stay away jo aisa hai nahi, to Nimrit ne bola sir, she said really, because she doesn't expect us to be saying that, because we know our child is very sensible. Yeah. Where is friendship, where is best friendship, and where is relationship? So
शी वॉज शॉक रियली एंड शी वॉन्टेड टू कन्वर्स, बट सलमान सर को उन्होंने बोला ओके, तो शी न्यू इट कि सलमान सर इज़ नॉट इन ए मूड टू टॉक, शी लेफ्ट एट इट एंड शी विदड्रू कि इट इज़ फॉर माई बेटरमेंट. उसके बाद उसका गेम डिफरेंट देखिए आप. अब जहाँ मौका आया उन्होंने साजिद सर को करेक्ट भी किया कि आप सुम्बुल को तंग मत कीजिए, इट इज़ नॉट राइट, आपकी वजह से वो नाराज़ है, आपकी वजह से उठ के गई, अब हमें सबको पैक्ट करो कि कोई इसको तंग नहीं करेगा. और उसने इन ए डिफरेंट फॉर्म सुम्बुल को बचाया भी और साजिद जी को नॉमिनेट भी कर दिया जो लाइट गुल करने वाला टास्क था. सो एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वन टू डेज बिफोर और वट कन्वर्सेशन वर हैपनिंग, बिकॉज लाइव फीड तो हम नहीं देखते ना, जो 24/7 उसमें जी जो एडिटेड पोर्शन आता है. इन वट सर्कमस्टांसिस, इन वट बैकग्राउंड शी डिसाइड्स नॉट टू स्पीक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक मे बी वी कैन डिस्कार्ड दैट. बट जो टेलीकास्ट हुआ है उसको देखें तो शी हैज़ टेकन स्टैंड अगेंस्ट साजिद ऑल्सो. इन अगर वो पूछेगी तो मैं डेफिनेटली उसको क्लैरिफाई करूँगा, अदरवाइज दिस चैप्टर इज क्लोज फ्रॉम आर साइड. नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा. नो नो नो, वी वर सरप्राइज्ड कि वाई इज़ इट. इनफैक्ट एवरी ऑडियंस वॉज सरप्राइज्ड. निमृत वॉज वोकल अबाउट इट, यार ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है. कोई भी फ्रेंड जिसका अच्छा दोस्त हो वो ऑल ऑफ ए सडन कहीं दो दिन चार दिन के लिए बाहर जाए, नॉट टॉकिंग ऑफ दिस हाउस, एंड सडनली कम्स बैक एंड सो इट्स ए बिहेवियर पैटर्न चेंज एंड अदर कंटेस्टेंट इज ऑब्जर्विंग दैट. मे बी अगेन उसको हर्ट ना हो जाए, उसको उसने कन्फ्रंट नहीं किया कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो. उसने अपने फ्रेंड्स के साथ सोचा कि थोड़ा वियर्ड बिहेवियर, ऐसा क्यों हो रहा है. शी मस्ट हैव थॉट कि ही इज़ एन इंटरनेशनल गेस्ट, ही इज़ कंटेस्टेंट फ्रॉम देयर, गिव हिम स्पेस, वाई ही इज़ बिहेविंग, मे बी ठीक हो जाएगा, कोई कारण होगा. बट वो समझ नहीं पाए कि क्या कारण होगा. वो आप और हम समझते हैं कि उसका कारण क्या था, वाई दिस हैज़ ऑल हैपन्ड. आई एम गिविंग रेफरेंस टू हर बर्थडे इशू एंड ऑल दैट थिंग. फॉर हर इट वॉज ए सरप्राइज, जबकि वो बच्चा तो चॉकलेट इकट्ठी कर रहा था. क्या का क्या बन गया, लेट्स लीव इट एट दैट, इट्स ओके. ये गेम ऐसा है कि जिसमें आपको रियलाइजेशन होता है ओवर ए पीरियड टाइम, रियलाइजेशन होता है. बट जो अच्छे रियल कैंडिडेट्स होते हैं, अच्छे रियल कंटेस्टेंट होते हैं, वो काफ़ी चीज़ें इग्नोर करते हैं अपनी फ्रेंडशिप के लिए. तो निमृत ने बहुत अच्छे से गेम खेला, और गेम है ही है इंडिविजुअल बट इन ए ग्रुप और इन ए टीम. कुछ टास्क ही ऐसे होते हैं कि आप घर वाले मिल के ये करेंगे, सो देन वो घर वालों ने मिल के करना है कोई टास्क. सो उसमें जो है मतलब कि इंडिविजुअल रेस तो है नहीं कि 100 मीटर रेस है, इंडिविजुअल सबने दौड़ना है, जो ट्रैक में पहले पहुंचेगा वो विनर हो गया. वो टास्क ऐसा होता है, आपको दिमाग इंडिविजुअल लगाना है, लेकिन आपको अगर नॉमिनेशन भी करना है तो जिसको ज़्यादा लोग नॉमिनेट करेंगे वही होगा. सो वो फ्रेंड्स हैं और आपकी फ्रेंडशिप है, तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ है, और वो दे नो कि किसको करना है या एंड दे आर फेयर. टास्क इज कम कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कम कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे शी इज़ फेयर. वो ये नहीं बोलेगी कि जिसका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है कि इसका कम कॉन्ट्रीब्यूशन इसको कर दो, वेयर एज पीपल डू से अदर वेयर कि भाई वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो है. बट आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूशन है तो शी इज़ सर्वाइविंग टिल हियर, एंड नॉमिनेशन के थ्रू में भी वो हर फैंस हैव सपोर्टेड हर. पहली बात तो अकेली निमृत नहीं रोई, सारे ही रोए हैं, इंक्लूडिंग मेल कंटेस्टेंट्स बुरी तरह से रोए हैं. मेल्स आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्गर. और अगर आप 98-99 जितने भी 100 एपिसोड्स का टोटल करके देखें, मेरे घर के सबकी झोली में 5-5, 6-6 बार रोना आ जाएगा. निमृत का शायद कम आए, सारे ही रोए हैं. सो रोना इज इमोशन, जैसे डर एक इमोशन है, क्राइंग इज ऑल्सो एन इमोशन, एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन. लेकिन निमृत का जो फेस था, मे बी उसको उस वक्त रोना इसलिए बिकॉज वो एक काम कंपोज पर्सनैलिटी ऑल ऑफ ए सडन ऐसे इन्वायरमेंट में आ गई जहाँ डेसिबल लेवल बहुत हाई थे, टॉलरेंस लेवल बहुत लो थे, तो वो उसको थोड़ा सा संभलने में टाइम लगा. वो फिर कन्फेशन रूम में जाके पूछा उसने कि ये कोई बिटवीन टू ऑफ अस. बट वो मुद्दा ऐसा है,
कि द टीम थॉट किट शुड बी एयर्ड, लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच नीड्स टू बी ब्रश्ड असाइड. मेंटल हेल्थ मीन डजंट मीन कि दैट इंसान इज़ पागल. मेंटल हेल्थ इज़ कि उसको उसको जो है बात करने का या उसका कंपनी नहीं है या उसका जो सिचुएशन है ऐसी एक फेज़ में से गुजर रहा है कि वो अगर आप एड्रेस करते हो उसको यू कम आउट एज ए चैम्पियन. एंड और इंडस्ट्री के कितने दिग्गज लोगों को है मेंटल हेल्थ एंड शी इज़ अपने पेज पे शी एडवोकेट्स दैट. शी कैन गिव टेड टॉक्स ऑन दैट. शी कैन एड्रेस ऑडियंस ऑन दैट बिकॉज शी नोज शी इज़ नॉट स्केयर्ड कि बिकॉज ऑफ दैट आई विल नॉट गेट वर्क. वो भगवान किस्मत ने देना है. इंसान तो जरिया है. वक्त के साथ आपको जो मिलना है वो आपको मिलना है. जो नहीं है आपके किस्मत में वो नहीं मिलना. कुदरत ने करना है और इंसान एक जरिया है. तो वो उसने अच्छे से उस चीज़ को ओवरकम करके बहुत अच्छा से उसने किया सब कुछ आगे का काम. और उस एपिसोड को देख के यस थोड़ा हम भी इमोशनल हो गए थे. इससे पहले मैं इस पर जवाब दूं, मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि इसी घर के अंदर में कुछ लोगों की काउंसलिंग हुई है कि चिल्लाओ मत, कह मत करो, चिल्लम चिल्ली में तिल्ली मत लगाओ, मुद्दे को बुढ़ाओ मत. हम एज ए नेशन क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? ऑडियंस अभी इंडियन नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड वी आर बीइंग वॉच्ड. आर वी इंडियंस लाइक दैट? आर वी गोइंग टू फाइट ऑन आटा, दोपहर का आटा, रात का आटा? दाल कम है, सब्जी कम है, उसकी प्लेट में ज़्यादा है, इसकी कम है. सो नाउ इज़ द टाइम. तो वो काउंसलिंग को अगर आप देखें कि कुछ लोगों की काउंसलिंग हो रही है कि तुम ओवरबोर्ड जा रहे हो इशू को लेके, अपने डेसिबल लेवल को लेके, ज़बरदस्ती घुस को लेके. एंड हेयर इज़ ए कैंडिडेट जो अपना काम कंपोज डिग्निफाइड तरीके से हैंडल कर, और जहां स्टैंड लेना है तो लेती है, बोलती है, गलत को गलत बोलती है. जिस जहां पे वो विटनेस नहीं है वो उसको मालूम नहीं. जब इतना बड़ा घर है तो ये नहीं कि आपको हर जगह जहां झगड़ा हुआ दौड़ के वहां पहुंच जाओ और कूद पड़ो उसके अंदर. सो उसके अलावा नाउ कम टू ट्रॉलिंग. द इशू इज़ ऑफ ट्रॉलिंग. शो शुरू हुआ 1 अक्टूबर से और ट्रॉलिंग शुरू होगी 2 सितंबर 1 अक्टूबर से. पहले नहीं हुई तो कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रॉलिंग कौन कर रहा है? 16 कंटेस्टेंट थे, बाकी 14 तो नहीं कर रहे. उसका टीना के साथ भी झगड़ा हुआ, शालीन के साथ भी कहा सुनी हुई, अर्चना के साथ भी हुई, बट उनके फैंडम, उनके फैन पेज नहीं कर रहे. एक पर्टिकुलर फैन पेज कर रहा और एक पर्टिकुलर फैंस कर रहे हैं. नॉट फैंस, आई विल से एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के चाहने वाले कर रहे हैं. और उसमें ट्रॉलिंग इतने लेवल, एक जेन्युइन फैन ट्रॉलिंग नहीं करता, ऐसी गंदी ट्रॉलिंग नहीं करता. वो ये बोल सकता है कि वी हेट यू, वी डोंट लाइक यू, योर गेम इज़ स्टूपिड, यू आर यूजलेस, यू डोंट डिजर्व. बट बॉडी शेम करना, एज शेम करना, रिलीजन पे जाना और मेंटल हेल्थ पे जाना, वर्स्ट तो ये है कि अब वो सारा जो मटेरियल फैंडम्स बना के देते हैं और आप उसको अच्छा समझ के अपने वेरीफाइड अकाउंट में पोस्ट डाल देते हैं, स्टोरी डाल देते हैं, तो आप क्या कन्वे कर रहे हैं? आप उसको अप्रूव कर रहे हैं कि अच्छी बात है और करिए, और हमें मटेरियल दीजिए, हम डालेंगे. और हाइट्स लिमिट्स कब क्रॉस हुई? 3 महीने के बाद जब पेरेंट्स की लेटर पहुँची घर अंदर, जिन जिन को टास्क में अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने लेटर को चूज़ किया. दैट इज़ द रियल इमोशन, फेक इमोशन नहीं था. 3 महीने के बाद आपको भी मिलेगी, लेटर ले लो या खाना ले लो या कुछ और ले लो, आप बोलोगे मैं लेटर लेगा. जब उसने वो लेटर पढ़ी या जो भी किया, उस लेटर का कितना ट्रॉलिंग हुआ. और ट्रॉलिंग नहीं, उस लेटर को अपने ऑफिशियल हैंडल पर डाल के ट्रॉलिंग किया. सो अगर कोई फैंडम आपको कुछ मटेरियल दे रहा है जो कि डेरोगेटरी है, बिलो दी हिटिंग दी बेल्ट है, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल PR और एज ए रिस्पॉन्सिबल पेज, जो भी उसकी एब्सेंस में, आई एम श्योर प्रियंका को पता ही नहीं है, शी विल नॉट डू इट. लेकिन जो उसको मैनेज कर रहे हैं
उसको अपलिफ्ट करने के लिए वो उसको दिखा रहे। हाँ, एक पोस्ट उनके, मतलब कि आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, देयर इज सो मच डन। जिन पर्टिकुलर जनाब का आपने नाम लिया, अब वो क्या बना रहे हैं? एक कम्युनिटी को ही टारगेट कर रहे हैं, इज इट राइट? सो दैट इज व्हाट इट इज। सो ट्रॉलर्स हैव गॉट नो रिलीजन, नो स्टैंडर्ड, दे आर पेड फॉर देम, दे आर फेसलेस एंड दे आर डूइंग इट फॉर अर्निंग देयर ब्रेड। वो एक फेज है, हर इंडिविजुअल का फेज है। शिव जब लोनली फील करता है तो उसके पास एज ए मेल स्टैन है, निमृत के पास उस ग्रुप में देयर इज ओनली वन फीमेल सुम्बुल जो उसे एज में छोटी है, जिसको खुद सहारा चाहिए या उसको सहारा मिल दिया उसने, तो शी फील्स कि शायद शिव एक ऐसा जिससे मैं अनफिल्टर्ड अपने मन की बात कर सकती हूँ। कन्फेशन रूम में पहले गई थी तो बिग बॉस ने गाइड किया, द वन हु डजंट जज यू, कौन है ऐसा? यू सेड अब्दू। नाउ अब वो चैप्टर क्लोज हो गया, तो नाउ शी नोज की द वन हु विल नॉट जज मी इज परहैप्स शिव। शी हैज़ दैट कॉन्फिडेंस इन हिम एंड ही हैज़ दैट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन हर। दैट इज़ हाउ दे बोथ आर, हैं दोनों इंडिविजुअल है। मे बी आज की विजिट के बाद शी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, शी वॉन्ट क्राई फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ऑफकोर्स निमृत एंड शिव एंड स्टैन। निमृत के फैंस को मैं यही कहूँगा, एज ट्रू निमृतियंस, स्प्रेड लव नो हेट। यू हैव टू सपोर्ट निमृत विद द लव एंड सपोर्ट यू आर गिवन टिल नाउ, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन गिविंग हेट और ट्रोलिंग। डोंट डू दैट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड।